नमस्कार। तो आपकी और मेरी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के दो। ये वो वक्त है जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं की। हर रोज हम एक विधानसभा का निरीक्षण करते हैं, आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं, जमीनी अवस्था क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसके बारे में भी आपको इत्तला करते हैं। आज एक बार फिर हाजिर हैं हम, मेरा गांव मेरा देश है का यूपी एडिशन लेके, और आज हम बात करेंगे ललितपुर विधानसभा की, यहाँ की सदर विधानसभा शहरी क्षेत्र की, कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या 2017 में जैसी ये विधानसभा दिखती थी 2022 में इसमें कुछ बदलाव हुआ है या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। 2017 में जिन दावों और वादों के साथ बीजेपी की सरकार आई थी और यहां पर बीजेपी से ही विधायक बने थे, क्या 2022 जब विधानसभा चुनाव एक बार फिर आ गए हैं तो क्या जो दावे और वादे किए गए थे वो पूरे किए गए, क्या राम रतन कुशवाहा अपने दावे और वादे जो वो लेकर आए थे क्या उन पर पास हुए या फेल हुए, या फिर क्या उनकी भूमिका रही, इन सबको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आपको लेकर चलते हैं वर्चुअल तौर पर, आपको ललितपुर विधानसभा लेकर चलते हैं जहां आप हकीकत से दो दो हाथ कीजिएगा। ये देखिए, ये ललितपुर विधानसभा की तस्वीरें हैं कि कैसी दिखती है ललितपुर विधानसभा। इसको देख कर आप अंदाजा लगाइए कि बाकी विधानसभाओं से ये अलग है, कुछ अलग नजर आता है, या फिर बिल्कुल वैसी ही विधानसभा नजर आती है जैसी कोई आम विधानसभा हो, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ हो, विकास के नाम पर कुछ ऐसा कमाल हुआ हो जिसको लेकर आज विधायक जी बिल्कुल आश्वस्त हों और सीधे तौर पर जनता के बीच जाकर उन्हीं दावों उन्हीं वादों के साथ आज एक बार फिर वोट मांग सकें। तो ये ललितपुर विधानसभा के नज़ारे आप देख रहे हैं, वर्चुअल दर्शन कर रहे हैं आप ललितपुर विधानसभा का, ताकि आप मानसिक रूप से उस विधानसभा पर पहुंच जाएं और फिर हम आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे। हमारे संवाददाता रुपेश जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको सियासी जो भी दाव पेच है हर चीज बताएंगे कि क्या फाइट चल रही है, फाइट में कौन है कौन नहीं है, क्या इस बार त्रिकोणीय जो मामला बताया जा रहा है वो क्या है, हर चीज बताएंगे, किसके जो सितारे इस बार बुलंद नजर आ रहे हैं, कौन सा नेता गर्दिश में है या विधायक जी का ही पलड़ा इस बार भी भारी है। तो इसको लेकर ललितपुर विधानसभा की आज हम जैसे कि बात कर रहे हैं, ललितपुर विधानसभा में आपको बता दें कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे जिनको हम बोलते हैं वो हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख है वो है सड़क। लोग कहते हैं कि सड़कों का हाल दरअसल काफी बेहाल है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत है, और तीसरा शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोग इस वक्त हमें बताया गया कि खासा नाराज है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, हमारे साथ रुपेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेश जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बिल्कुल रुपेश जैन जी, सबसे पहले तो ऊपरी बातें समझेंगे, आप ये बताइएगा कि इस विधानसभा में चल क्या रहा है, माहौल क्या है, क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आपको लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, जमीनी पत्रकार हैं आप काफी हकीकत को दो चार होते रहते होंगे, खबरों से भी आप खबरों की दुनिया में रहते हैं ललितपुर में, तो ऐसे में ये बताइए कि ऊपरी अभी सियासी उठापटक क्या कुछ चल रही है, माहौल क्या है। जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनपद ललितपुर की राजनीति इस समय बहुत गर्माई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद ललितपुर में इस समय, पहले जो लोग बाग मान रहे थे कि यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन बुंदेलखंड की जो राजनीति है, यहाँ पे जो ललितपुर का बुंदेला परिवार है, उनके जो फादर रहे हैं सुजान सिंह बुंदेला, यहाँ पे पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे को अपने पहले जो है समाजवादी पार्टी से टिकट मांगी थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी टिकट वहां से नहीं मिली, जिसके चलते वो नाराज होके जाके बीएसपी से जाके वहां से टिकट लेके आ गए। अब कल जाके उन्होंने वहां पर, वहां उनके कुछ नेता आए थे, मंडल कोऑर्डिनेटर वगैरह झांसी से कुछ नेता आए थे, उन्होंने मंच पर जाकर वहां से उनकी घोषणा कर दी कि वो जो है 226 ललितपुर सदर विधानसभा से यहां से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही वहां से घोषणा होती है, वैसे ही बीएसपी के कार्यकर्ताओं में अपने आप जोश भर जाता है और खुशी से वे लहराने और झूमने लगते हैं। उनका साफ तौर पर कहना होता है कि अब ललितपुर जनपद में की जो दोनों विधानसभा सीटें हैं, अब वहां पे
सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी के बीच ही नहीं बल्कि अब एक तीसरा एक और मोर्चा जो बीएसपी यहां से जो जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, अब जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होने वाला है। जी ठीक है रुपेश जी, आपके आसपास कुछ लोग होंगे तो उनसे भी बातचीत करिएगा और रैंडम किसी को भी देखिए, रैंडम जो भी आपको मिल रहा है उनसे बातचीत करिए और देखिए क्या पसंद कर रहे हैं लोग। जी हमारे साथ में एक भैया जी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे भैया आप ये बताइए क्या मान के चल रहे हैं, किस तरह से जो है यहाँ पे जो अब जो कड़ा मुकाबला होने वाला है वो किस किन किन के लोगों के बीच मानते हैं आप? जिस तरह से आप सभी लोग देख रहे हैं तो नजारा यही सामने आ रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ मुकाबला गुड्डू राजा वर्सेस सपा प्रत्याशी रमेश कुशवाहा जी से है। बाकी गुड्डू राजा कौन है? गुड्डू राजा पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला जी के पुत्र हैं और उनका एक अलग ही जनाधार है, उनकी लोकप्रियता है। वो समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े थे पिछली बार तो उन्हें सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई थी। ठीक है, बाकी जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनका क्या हाल है, उनका क्या माहौल है, उनका पूछिए जरा क्या सोच रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं क्या सोच रहे हैं, उनका उनका क्या किस तरीके से जनाधार घटा है या आगे घटेगा या लोग क्या मानते हैं? उन्होंने एक जाति विशेष को लेके पूरे 5 साल काम किया है, बाकी उनका जनता से किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं रहा है। वो हमेशा एक जाति विशेष को ही वरीयता देते आ रहे हैं और आज भी देते हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग होंगे रुपेश जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सब कुछ लोग हैं जिनका रुपेश जी आप जनता को बुलाइए मत। देखिए ये वो वक्त है, चुनावी जब वक्त आता है तब नेता खुद चल चल कर जनता के पास जाते हैं, पैर छू रहे हैं और गांव देहात में चले जाएं तो आप और हमने भी देखा होगा बकरी घोड़ा बैल भैंस सबके पैर छू लें। तो आप भी जाइए, आप भी जनता के पास जाइए और देखिए कि क्या कह रही है जनता। जी 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 सर क्या मानते हैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो जो सरकार है उनके जो विधायक हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं अभी जो आगे आने वाला समय किसका होगा? आगे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और अभी सही काम चल रहा है और क्या चाहिए। ठीक है, जो पैमाने हैं बेरोजगारी महंगाई शिक्षा इनको लेकर क्या कहना है? जैसे जो अभी चल रहा है जो है जो बेरोजगारी है या जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है कुछ काम नहीं हुआ या सड़क के क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ, क्या मानते हैं आप? 100% काम कभी नहीं होता किसी भी सरकार का हो। बेरोजगारी है तो रोजगार देखो कोई भी सरकार है उसके हिसाब से देख मान लो जिस हिसाब से सरकार जनता बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार थोड़ी बढ़ रहा है, रोजगार को स्वयं करना पड़ता है। और ये तो मतलब जब से देश स्वतंत्र चुका है उसी समय से बेरोजगारी का ये आंकड़ा रहा है, रोजगार के लिए तो आदमी को स्वयं करना पड़ता है रोजगार, रोजगार सरकार थोड़ी देती है। जी बिल्कुल, और रुपेश जी आपके जो हमारे भाई साहब सामने नजर आ रहे हैं इनके बिल्कुल पीछे एक और शख्स नजर आ रहे हैं हमको, सफेद कलर का अंगोछा बांध रखा है उन्होंने, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, इनसे बातचीत करिएगा जरा। जी बिल्कुल, जी क्या मानते जो है आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ जैन है। अच्छा, क्या मानते हैं आप जो है जिस प्रकार से ये जो है वर्तमान विधायक जी है या उनका जो कार्य है, क्या लोग बाग उनसे संतुष्ट हैं, क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं माने तो भाजपा के सदर विधायक रहे रामदत्त कुशवाहा जी, बादी हवा हवाई रहे उनके, हमारे यहाँ पूरा कला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी मंच से घोषणा की थी कि क्षेत्र को एक इंटर कॉलेज की उपलब्धि मिलेगी, रोड की उपलब्धि मिलेगी, लेकिन हालत बस से बदतर है। कोई मतलब वादे केवल खोखले वादे साबित हुए हैं, विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और अगर अपन चुनाव की बात करें तो जनपद ललितपुर में अब मामला त्रिकोणीय श्रृंखलाएँ फंस चुका है, पहले सपा भाजपा में आ रहा था लेकिन बहुजन समाज पार्टी से ललितपुर का राजनीतिक गढ़ कहें या राजनीतिक वजूद घराना कहें बुंदेला बंधु परिवार, तो पूर्व सांसद रहे सुजान सिंह बुंदेला जी, उनके पुत्र हैं चंद्र भूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा, तो बहुजन समाज पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। जब
लेकिन प्रदेश स्तर के चेहरों पर पूछे योगी पसंद है कि अखिलेश पसंद है कि मायावती जी पसंद है। अच्छा क्या मानते हैं जो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उन लोगों को आखिर कौन सा नेता पसंद है, क्या मानते हैं? जैसे योगी जी पसंद है या ये जो है मायावती जी पसंद है या अखिलेश यादव पसंद है? ये सब अपनी अपनी पसंद की बात करते हैं। कोई फूल की बात करे तो आदमी भारतीय जनता पार्टी को योगी मोदी का चेहरा देख के वोट करेगा, ना कि उन्हें प्रत्याशी से मतलब है। अगर अपन भाजपा की बात करें तो भाजपा के लोगों को कहना है कहीं ना कहीं सदर विधायक की सीट थी वो चेंज होनी चाहिए थी, तो लोगों को में इस तरीके का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व विधायक रहे जो सिटिंग विधायक थे रामरतन कुशवाहा जी उन्हीं पर अपना दाव लगाया है, और समाजवादी पार्टी से भी पूर्व विधायक रह चुके रमेश कुशवाहा जी को भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और रहे कहें ललितपुर की बात तो कुशवाहा वाली सीट मानी जाती है, तो अब देखते हैं चुनाव परिणाम किसके पक्ष में रहता है। फिलहाल जनपद ललितपुर की बात कहें तो त्रिकोणीय श्रृंखला में मामला फंस चुका है। ठीक है रिपोर्टर साहब, ये बताइए कि ललितपुर में जो विधायक जी हैं उनका टिकट कंफर्म हो गया है दोबारा से? जी बिल्कुल, ललितपुर में जो पहले सिटिंग विधायक थे जो है रामरतन कुशवाहा जी, उसके बाद जो है फिर से जो है उन्हीं को एक बार टिकट दे दिया है बीजेपी ने। इसको लेकर जो है काफी जो लोग हैं उनमें नाराजगी भी है, और उसके साथ साथ लोगों से अगर हम बात करते हैं कि जो है अगर उनको टिकट लोगों का तो जो है साफ तौर पर कहना है कि अगर जैसे इनको टिकट नहीं मिलती, अगर दूसरे आदमी को अगर टिकट मिल जाती तो वो जो है 100% जीत जाता, लेकिन उनसे जो है काफी लोगों को नाराजगी सामने आ रही है, लोग सामने जो है नाराजगी व्यक्त। लेकिन एक और चीज है कि अगर पार्टी आला कमान ने उनको दोबारा से टिकट दिया है, कुछ तो पार्टी आला कमान को लगा होगा, कोई तो ऐसा काम होगा जो उनका ठीक भी होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होगा, उसको भी बताइएगा जरा। जी यहाँ पर जो है आमतौर पर चर्चा लोगों में है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ जो है कुछ करीब 14-15 विधायक यहाँ से चले जाते हैं, और साथ में 3-4 मंत्री वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है निकलकर समाजवादी पार्टी में जब जाते हैं, तो यहाँ पर जो है लोगों में आमतौर पर चर्चा का विषय था कि अगर कुछ दिन अगर इनको टिकट नहीं मिलती तो ये भी जो है समाजवादी पार्टी में जाने की, इस प्रकार से जो है चर्चा भी कह सकते हैं या फिर जो है अपवाद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्हीं को जो है बराबर फिर से दोबारा टिकट दी गई है। जी ठीक है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां पर घोषित हुआ है अभी? जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, और वहाँ पे जो है इससे पहले रमेश कुशवाहा जी विधायक जो बीएसपी से रहा करते थे, उसके बाद जो है उन्होंने बीएसपी से त्याग पत्र देकर आज वो जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं, और उनको जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। जी ठीक है, तो ऐसे में ये बताइए जो प्रत्याशी हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के भी घोषित हो चुके हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी घोषित हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं नेम सुन के, जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति विशेष की बात करूंगा मैं, स्थानीय स्तर पर किसका जनाधार आप समझ रहे हैं कि ज्यादा प्लस में है? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कुशवाहा बाहुबल क्षेत्र है, और यहाँ पर दोनों ही सीटों पर कुशवाहा को जो है टिकट दे रखी है। तो अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रमेश कुशवाहा जी, वो जो है थोड़ा सा उनका कद यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। ठीक है, तो आज की स्थिति यह है कि मतलब आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो थोड़ा सा मतलब प्लस पोजीशन में नजर आ रहे हैं आपको? जी ठीक। और बसपा जो आप बता रहे थे कि बसपा का यहाँ काफी समय तक काफी प्रभाव रहा है, इस बार बसपा को कहाँ देख रहे हैं आप? जी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी लोगों से जो बात कर रहे थे उनका भी जो है साफ तौर पर कहना था कि जो पहले जब टिकट घोषित नहीं हुई थी बीएसपी से, तो उस समय पे जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो है आमने सामने की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन कल के बाद जब कल जो है बीएसपी से चंद्रभूषण सिंह मुंदेला उर्फ गुड्डू राजा का टिकट जब फाइनल हो जाता है, उसके बाद से अब ये जो है लोग बाग मुकाबला त्रिकोणीय मान रहे हैं कि अब आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2022 है उसमें जनपद ललितपुर की 226 विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 10 मार्च को इस विधानसभा में आखिर कौन सा प्रत्याशी पहुंचता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो। जी ठीक है, शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। चलिए आसपास और भी लोग होंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे,
उनसे भी बातचीत करिएगा जरा, आसपास कुछ लोग होंगे आपके। जी बिल्कुल। दादा कानाओ है आपको, कानाओ तुम आओ, कानाओ तुम आओ, नाव का है, चेन्नई, कौन से गांव के हो? अरे हमारे बगल में खड़े रहो, आप नहीं घूमो, हम घूम रहे, टीवी पे चल रहे तुम, टीवी पे टीवी जाना, टीवी ऊपर तुम दिखाई दे रहे जो। अरे टीवी टीवी मत बोलो, बीमारी समझ लेंगे टीवी। देखिए आप हमें ये बताइए कि अब जो चुनाव आने वाला है विधानसभा चुनाव, तो क्या मानते हैं आप, किसकी सरकार होनी चाहिए? माला जाए सब जानेंगे तो हम नहीं, और सब जने बैठे तो हम बैठे, सब जन की कीमत अपने सुमत में चले, सुमति से हम बैठे। अच्छा चलो ठीक है, आप अपनी सुमत से, लोगों की सुमत, जहाँ जैसा लोग भाग जाएंगे वैसे जाएंगे। हाँ। अच्छा आपके हिसाब से जो है सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? मायावती जी सबसे अच्छी मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जी सबसे अच्छी मुख्यमंत्री है, या फिर अखिलेश यादव जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है, क्या लगता है आपको? हमें जारी देखो, हमें नाम बताओ उनको, मायावती अखिलेश सर, यहाँ पर जो लोग हैं कुछ भी कहने से बच रहे हैं, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, हम उनके पास भी जो है जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम वो कुछ बोले, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं मतलब काफी डरे हुए से, असहज सा महसूस कर रहे हैं कि अगर हम किसका नाम ले दें। हमारे साथ में कुछ और ग्रामीण है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? दादाजी क्या नाम है आपका? जी कुंवर राज। अच्छा कुंवर राज जी कहाँ के निवासी है, कहाँ रहते हैं? सनोरी। सनोरी सनोरी। हाँ। अच्छा क्या मानते हैं आप इस बार जो है किसकी सरकार बननी चाहिए आपके? बोल की, बोल की। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा जो है मुख्यमंत्री है जो सबसे अच्छा काम कर रहा था? अच्छा काम तो जाके ओम शांति है, जो ओम शांति में सबको काम, सबको जगा, सबकी सरकार। क्या नाम है आपका? अच्छा क्या मानते हैं आप जो है सबसे अच्छी सरकार या सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन? जो है भी यानी यही सरकार ही बढ़िया चल रही है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है आपके यहाँ? कौन परेशानियाँ जनता बढ़िया खुश है, कौन परेशानियाँ आवे जावे में, लड़की लड़का हम तुम सब बढ़िया सुखी चल रहा है, कौन परेशानी जी? बढ़िया सरकार है, कोई परेशानी नहीं है गरीब लोगों ने। ठीक है परेशानी नहीं है तो इनसे पूछेगा जरा, क्या योगी सरकार को ही रिपीट करना होगा ये मानते हैं? अच्छा क्या लग रहा है आपको जो है आगामी विधानसभा चुनाव में क्या जो है योगी सरकार ही बनेगी? लगभग वही बनेगी, जब शांति है, गरीब आदमी ने कोई दिक्कत नहीं जा ना, तो गरीब आदमी की दिक्कत क्या। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में जितनी उठापटक है, जो बड़े नेता इधर से उधर जा रहे हैं, ये सब चल रहा है, उससे कुछ चेंज हो रहा है माइंडसेट में लोगों के? अच्छा जैसे जो योगी सरकार में जो लोग बाग है यहाँ से उधर भाग रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो क्या मान के चल रहे हैं, क्या जो दूसरे नए प्रत्याशी आएंगे उनको जो है जीत मिलेगी क्या? सर हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो छोटे छोटे रोजगार को लेकर यहाँ पर काम करते हैं, सर हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, हमारा ओम प्रकाश नाम है। अच्छा ओम प्रकाश जी आप हमें ये बताइए क्या लगता है आपको जो है आगामी जो विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 2022, क्या लगता है आपको किसकी जो है सरकार बनने के चांसेस है? नहीं सरकार जी योगी सरकार की भी काम अच्छी कर रही है, ये बढ़िया है सरकार की, ठीक है, लेकिन अभी कोई बदलाव आ जाए तो ठीक है। नहीं मतलब प्रत्याशी ठीक है, जो स्थानीय वर्तमान विधायक है वो ठीक है, या फिर योगी जी ठीक है? हर आदमी को मौका मिले। आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो प्रत्याशी है रामरतन कुशवाहा जी वो ज्यादा ठीक है, या फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी ठीक है, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं योगी आदित्यनाथ जी ठीक है। मतलब प्रदेश सरकार से खुश हैं लोग, लेकिन वर्तमान विधायक से उतना खुश नजर नहीं आते। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो है साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो विधायक हैं रामरतन कुशवाहा जी, उनसे जरूर जो है लोग बाग नाखुश नजर हैं, लेकिन जो योगी जी हैं उन्होंने अच्छी सरकार चलाई है, इसको लेकर जो है लोग बाग उनकी जरूर प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, जरा आप कैमरे को दूसरी तरफ भी करिए, कैमरा दिखाइए आप कहाँ खड़े हैं, नजारा दिखाइए जरा। यहाँ पर सर छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं, और ये जो है यहाँ का जो है व्यस्ततम चौराहा माना जाता है, तो इसको लेकर जो है सर काफी जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ पर जो रहते हैं।
चलिए ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सुरक्षा को लेकर 2017 में जब बीजेपी आई थी, तब 2017 से पहले विधानसभा चुनाव के दरमियान ये कहा गया था और जोर शोर के साथ कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा, लूटपाट, ये सब छिनैती जैसी चीज़ें, गुंडागर्दी, ये सब बहुत चरम पर रहती थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, मतलब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तब कहा गया कि इन चीज़ों में कमी आई है, डाउनफॉल देखा गया है। तो ऐसा क्या ललितपुर में भी नज़र आ रहा है कि सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा बेहतर हुआ है मामला? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे अभी यहाँ पे भी कुछ और लोग हैं सर, एक सेकेंड आएंगे क्या? कुछ लोग हैं, इनसे जो है सर हम बात करने का जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। सर क्या लगता है, 2017 में जब समाजवादी पार्टी की जो है सरकार हुआ करती थी, उस समय कुल जो है जो पुलिस व्यवस्था थी या जो है कानून व्यवस्था थी, तब जो है ज्यादा सही थी या इस समय अभी जो है सही है? सर क्या नाम है आपका, पहले तो आपको नाम बताइए। नाम पवन यादव। अच्छा पवन जी, जी क्या क्या मानते हैं सर? कानून व्यवस्था 2017 के पहले भी सही, ऐसा नहीं है एक तरफा कह देना कि कानून व्यवस्था खराब थी। ठीक है, तो कुछ घटनाएं होती रहती हैं, आज इस गवर्नमेंट में भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है, इस गवर्नमेंट में भी हाथरस जैसे कांड हो रहे हैं। योगी जी पसंद है कि अखिलेश यादव पसंद है? सर क्या मानते हैं, योगी जी ज्यादा बेस्ट हैं आपके हिसाब से पसंद है या अखिलेश यादव जी ज्यादा पसंद है? अखिलेश जी पसंद है, युवाओं की पसंद अखिलेश यादव है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, यादव जी को श्री राम कहिएगा, प्रणाम कहिएगा। चलिए तो अब आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे, आपने जैसे कि बताया कि त्रिकोणीय मामला हो सकता है, लेकिन लोग ये भी तो समझ रहे होंगे कि मायावती जी उतनी फॉर्म में नजर नहीं आ रही हैं, उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं, तो उसका घाटा कहीं ना कहीं बसपा प्रत्याशी को हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है और जो है देखने के लिए भी मिलेगा कि अभी जो वर्तमान समय है, इस समय में जो है मायावती जी बिल्कुल जो है साइलेंट मोड में जो है दिखाई दे रही है, उनका जो है कहीं भी कोई भी वक्तव्य सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर जो है यहाँ पर ललितपुर सदर सीट से जो है 226 विधानसभा से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा को अगर टिकट मिलता है और अगर उनकी यही जो है स्थिति रही, तो जो है आखिर ऐसे में जो है कैसे जो है बीएसपी प्रत्याशी को जो है विजय श्री दिला पाएगी? जी चलिए ठीक है, संवाददाता साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कमाल की आपने रिपोर्टिंग करी, बड़े अच्छे से आपने मोजो जर्नलिज्म जो किया है आज, बहुत शानदार। चलिए तो ललितपुर विधानसभा की जो तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि विधानसभा में क्या बदलाव हुए हैं, 2017 में जैसा ललितपुर था क्या 2022 में उस ललितपुर में आप जरा सा भी फर्क महसूस करते हैं? विकास की जो बातें होती हैं लखनऊ से, क्या ललितपुर तक वो विकास पहुंचता है या फिर बीच में ही कहीं दम तोड़ देता है? कल एक और विधानसभा का निरीक्षण करेंगे, एक और विधानसभा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।